आज हम लोग में स्पेशल नहीं हूँ, स्पेशल है हम लोग का मेन गेस्ट है। तो नाउ इफ आई वांट आई कैन लाइक अभी भी इंडिया जा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। तो आज बसंत पंचमी है एंड आज सरस्वती पूजा भी है हम लोगों का। तो वही अभी मैंने सुबह उठ के नहा लिया है। वेट अभी है ना थोड़ा, या तो सुबह उठ के मैंने नहा लिया है, पर सुबह अभी इतना सुबह नहीं है, इट इज ऑलरेडी लाइक 11 बजने वाला है। एंड लाइक जब मैं सोच रही थी ना, लाइक हम लोग का ट्रिप का जब चल रहा था ना, तो फ्राइडे में ना संतोषी माता का पूजा देने के बाद ना, उसके बाद ना लाइक भगवान का जो जो यू नो बर्तन एंड ऑल है वो सब मैंने धो के रख दिया था, क्योंकि हम लोग एक्चुअली आज आने वाले थे। तो मैं जैसे बोल रही थी ना, आके ही मुझे पूजा तो डेफिनेटली मैं हर साल देती हूँ, तो मुझे देना है। फिर मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा काम ना मैं करके जाती हूँ, बट छोड़ देते हैं उस बात को। तो स्वामिक सुबह उठ के ही हेल्प मी अ लॉट, उन्होंने सब घर वर क्लीन करके दिया। एंड इस बार ना लाइक सरस्वती पूजा मैं अपने मंदिर में ही करूँगी, मुझे लगा चलो इस बार मैं अपने मंदिर में ही करती हूँ। एंड भोग में देखती हूँ मैं क्या बनाऊंगी, बट डेफिनेटली बोलते हैं ना, जब तबीयत खराब होता है अपने आप को ज्यादा भी इतना ओवर नहीं करना चाहिए, तो जितना होगा उतना ही मैं करूंगी। आई एम प्लानिंग वेरी सिंपल कि अभी तक ना मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो इसलिए शौमिक देख रहे थे कि मैं सो रही थी, फिर इमिडिएटली वो उठ के ही क्लीन एवरीथिंग, फिर उन्होंने बर्तन एंड ऑल भी सब कुछ निकाल के दे दिया मुझे। तो आप सबका बसंत पंचमी कैसा गया? एंड जो लोग सरस्वती पूजा करते हैं, हाउ वाज योर सरस्वती पूजा? ऐसा आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अभी होता है कि नहीं है, पर एक्चुअली सरस्वती पूजा को बंगाली वैलेंटाइंस डे के हिसाब से भी जाना जाता है। एंड सरस्वती पूजा इज ए डे, अभी भी आई एम श्योर कोलकाता में तो करते होंगे, कि सब छोटे 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 सब बच्चे लोग ना, सब लोग साड़ी पहनते थे पूजा के दिन। मुझे याद है मैंने फर्स्ट साड़ी कब पहना, मैंने आई थिंक सो फर्स्ट साड़ी पहना व्हेन आई वाज सेवेंथ ग्रेड, क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था ना, तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ही लाइक ऐसा यू नो पूजा के टाइम कभी अगर जहाँ पे मेन प्रॉपर पूजा होता है वहाँ पे आप ना रहे तो वो फील नहीं आता है ना। देन आई थिंक सो इन सेवेंथ ग्रेड था जब मैंने फर्स्ट साड़ी पहना था, पर छोटे 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 बच्चे लोग भी साड़ी पहनते हैं नॉर्मली ना, आज ना येल्लो कलर का साड़ी पहना जाता है। तो चलिए अभी मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। जनरली सरस्वती पूजा के दिन ना खिचड़ी बनाया जाता है, एंड सभी स्कूल में होता था खिचड़ी एंड लाबरा, एंड घर में भी मम्मी खिचड़ी बनाती थी। मैंने भी शायद लास्ट साल खिचड़ी भी बनाया था आज, और मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा है खिचड़ी। तो राय ने भी नहा लिया है एंड अभी पूरी बनाने के लिए वो मुझे आटा, इसमें लाइक हाफ आटा और हाफ मैदा है, गूंद के दे रही है। तो आज सब लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, राय आटा गूंद के दे रही है पूरी बनाने के लिए। एंड एक्चुअली ना मेरे पास जो सरस्वती भगवान का जो मूर्ति है ना, इट इज लिटिल बिट स्मॉल, तो इस बार ना मैंने सोचा था, बहुत पहले मैंने सोचा था मैं थोड़ा एक बड़ा मूर्ति खरीदती हूँ, वैसे व्हाइट कलर का देखने में काफी अच्छा लगता है। तो जनरली क्या होता है जब पूजा करते हैं ना, हम लोग के पास एक पोस्टर रहता है ना, वैसा एक सरस्वती भगवान का पोस्टर है, उसी से हम लोग करते हैं। तो मुझे लगा चलो मैं पहले ऑर्डर कर देती हूँ, तो बहुत पहले वो आ भी गया था। सी यहाँ पे है, बट द प्रॉब्लम इज मैं बहुत खुश हो गई, एंड ये सब ना मैंने जाने से पहले सब कुछ ऑर्डर एंड ऑल दिया था, मैं वाव आ गया कितना अच्छा है यू नो। इस साल ऐसे भी बोलते हैं पूजा करके यू नो फिर मैं अपने आसन में स्थापित करूंगी, तो मैं इतनी खुश हो गई। एंड फिर इसमें मूर्ति नहीं, लाइक वो लोग ने गलत भेजा, इसमें वो ये होते हैं ना गाय माता होती है ना, वो था लाइक सरस्वती माता का मूर्ति वो लोग ने भेजा ही नहीं, तो और क्या करूँ, ये अभी हम लोग को रिटर्न करना है। एंड डर के मारे ना मैंने ये पीपी भी ऑर्डर किया था, तो ये भी मुझे रिटर्न करना है। तो प्रोटेक्शन लेने में तो कोई बुराई नहीं है ना, एंड ऐसा भी टेंशन तो लगता ही है।
पर राय ना बहुत अच्छा एक्चुअली आटा गूंथती है। पहले मोस्ट ऑफ द टाइम ना रात में मैं राय को बोलती थी, राय मुझे यू नो रोटी के लिए आटा गूंद के दो। हाँ तो यहाँ पे आलू की सब्जी बनाने के लिए ऑयल गरम हो चुका है, फिर मैंने उस पे दिया है तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक, थोड़ा फाइनली लाइक थोड़ा ग्रेटेड जिंजर, एक ही टमाटर, थोड़ा ग्रीन चिली। तो अभी हम लोग टमाटर को हल्का सॉफ्ट करेंगे, लाइक थोड़ा भूनना है आपको, एंड फिर मैं उसमें ऐड कर दूंगी आलू और पीस। पर आप देख सकते हैं आलू को मैंने थोड़ा लंबा तरीके से कट किया है। तो अभी हम लोग अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे आलू और पीस को। फिर मैंने इसमें थोड़ा हल्दी एंड रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ना मैं इसमें थोड़ा आमचूर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, अराउंड हाफ टी स्पून ऑफ आमचूर पाउडर। एंड हाँ, जब भी हम लोग कोई भोग बनाते हैं ना, मैं ना थोड़ा शक्कर ऐड करती हूँ, पर मुझे पता है बहुतों को पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा शक्कर भी ऐड किया है। पानी ऐड करके बस कवर करके रख देंगे। एंड यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तो मैं एक बहुत सिंपल बैंगन फ्राई बनाऊंगी। ये सरसों के तेल से बनता है एंड ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, पर इसके लिए ना बैंगन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आज सरस्वती पूजा है एंड सरस्वती पूजा में ना हर वक्त लाइक भगवान को ना सफेद नहीं तो येलो कलर का फ्लावर अर्पित किया जाता है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया है, सब्जी भी रेडी हो गया है, फिर मिठाई है। लाइक मैं ना सब कुछ प्रिपेयर करके गई थी, फल, क्योंकि 5 तरीके का फल चाहिए एंड पान इस बार नहीं है, तो क्या कर सकते हैं अभी। यहाँ पे तो ऐसा होता ही है ना, जो जो चाहिए। लाइक सरस्वती पूजा में ना बहुत सारा चीज चाहिए, जैसे कि कूल बोलते हैं, कूल को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, बेड़ी बोलते हैं ना कूल को, तो कूल चाहिए, वो बंगाली में हम लोग बेरी बोलते हैं शायद हिंदी में, तो दैट इज समथिंग मस्ट। एंड अभी ना बहुत कूल मिलता है, तो पहले हम लोग जब छोटे थे ना हर वक्त बोलते थे सरस्वती पूजा से पहले कूल नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो यहाँ पे कभी भी नहीं मिलता। तो बहुत ही अच्छी तरीके से सी राय ने गूंदा है, बहुत सॉफ्ट है। तो मैं जल्दी जल्दी भोग में देने के लिए मैं थोड़ा पूरी बना लेती हूँ एंड फिर नीचे जाके मैं रेडी होके आती हूँ। ऐसा मैं तैयार, ऐसा मैं पूजा नहीं दूंगी। एंड बहुत जन आप लोग बोल रहे थे कि अरे कोई बात नहीं पायल, नेक्स्ट बार चले जाने। एक्चुअली क्या होता है, यू नो, सब कुछ मिला के ना नहीं होता है, मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। सी श्रमिक का भी ऑफिस रहता है, फिर उनका भी छुट्टी लेना पड़ता है। एंड राय जब छोटी थी ना, दिस ऑल थिंग्स पर नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम, पर राय अभी बड़ी क्लास में हो गई है ना, तो बच्चे जब बड़े क्लास में हो जाते हैं, आप देखेंगे आप अब अचानक से नहीं, कभी भी ऐसा नहीं जा सकते, स्पेशली लाइक राय का स्कूल चल रहा है, अरे चलो 2 दिन का छुट्टी ले लो, ऐसा होता ही नहीं है। एंड स्पेशली यहाँ पे ना, यहाँ पे तो सब कुछ स्कूल में होता है, तो छोड़ो, और किस्मत में नहीं था तो क्या कर सकते हैं, किस्मत में जब होगा तब डेफिनेटली जाएंगे। पूरी हो जाए बस और भोग इज टोटली रेडी। एंड पता नहीं, मैं सोच रही थी शायद अगर हम लोग वेकेशन पे जाते हैं एंड आज ही लौट के आते, फिर मैं इतना कुछ कर पाती भी या नहीं, पर चलो जो भी होता है बोलते हैं ना, अच्छे के लिए होता है। फाइनली भोग रेडी हो चुका है, अभी मैं नीचे जाके रेडी होके आऊंगी एंड आज कोई स्पेशल भी हम लोग के घर पे आने वाला है, तो मैं रेडी होके आती हूँ एंड फिर अब मैं आप सबसे मिलाती हूँ स्पेशल मेहमान से। एंड मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने जस्ट सिंपल कुछ नहीं किया, हेयर भी सेम है, पीछे में मैंने ऐसा थोड़ा बांध लिया, पर आज हम लोग, मैं स्पेशल नहीं हूँ, स्पेशल है हम लोग का मेन गेस्ट।
तो ये स्पेशल गेस्ट को तो आप लोग सब समझ गए होंगे, हे राय एंड राय ने आज पहली बार साड़ी पहना है। तो कैसी लग रही है राय? एंड ये जो है ना, ये घाघरा के साथ लाइक ऊपर का टॉप्स है वही राय ने पहना है, तो मुझे लगा चलो ये साड़ी राय पे अच्छा लगेगा। हाउ आर यू फीलिंग मामा? यू आर फीलिंग कंफर्टेबल? कंफर्टेबल अच्छा बोल रहे। एक्चुअली राय मुझसे थोड़ी लंबी है ना, तो आई थिंक सो राय इज लुकिंग नाइस इन दिस साड़ी। शो मी के रकम लग छ मामा, के मन लग छ ना? हाँ अच्छी लग रही है, लाइक छोटी छोटी लग रही है, बड़ी बड़ी नहीं लग रही है। एंड कुछ नहीं किया उसने, बस सिर्फ ये एक मेरा था जो मैं अभी क्यों लगाऊंगी, एंड बस बस ईयर रिंग हो गया राय का। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे पूजा करने। तो आ गई हूँ मैं अपने फेवरेट स्पॉट, एंड मुझे लगा सरस्वती पूजा पे येलो साड़ी पहनते हैं ना। एक्चुअली राय का लाइक कुछ ब्लाउज एंड ऑल कौन अभी स्टिच एंड ऑल करेगा, तो राय के लिए मुझे लगा यही ठीक है। तो ये एंड कम एंड यहाँ पे है राय, राय वेट कर रही है क्योंकि राय को भी पता है किचन पे राय अच्छी लगती है, थोड़ी नाटी हुए। एटलीस्ट राय मुझसे लंबी है, दिस इज ए गुड थिंग, क्योंकि साड़ी अच्छा लग रहा है। ये साड़ी का लेंथ भी इज परफेक्ट ना माँ? या उसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। मुझे अपना बचपन का याद आ गया, व्हेन आई यूज्ड टू वेयर साड़ी इन सरस्वती पूजा। तो अभी मैं थोड़ा बहुत आयोजन करूंगी, एंड आज पहली बार हम लोग आसन में ही सरस्वती पूजा करेंगे। जो तैयारी है वो सब कुछ मैंने कर दिया है, एंड सरस्वती पूजा पे ना, क्योंकि बोलते हैं ना गॉड ऑफ विजडम है, तो राय का किताब, फिर राय का लैपटॉप, फिर शौमिक का भी है क्या? मेरा किताब, ओ शौमिक का किताब मेरा भी है, ये जो पिंक वाला डायरी है उस पे ही मैं कंटेंट लिखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील इसमें आपको दिमाग चाहिए राइट, तो वो दिमाग मुझे सरस्वती माता ही मुझे आके बोलती है ये लिखो, तो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो अभी हम लोग पूजा कर लेंगे, एंड हम लोगों के घर में हम लोगों के परमानेंट पंडित जी है शौमिक, को बुला के लेके जाइए, किसी को चाहिए तो वही हर सब पूजा करते हैं, क्योंकि मुझे तो बंगाली पढ़ना आता ही नहीं है, तो शौमिक बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग पूजा करते हैं, चलो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा हुआ, एंड मुझे ना आज काफी अच्छा लगा। एक तो हम लोगों ने यहाँ पे ही पूजा किया, एंड आप देखेंगे ना अगर कोई भी ऐसा पूजा हो ना, अगर जमीन पे आप सब कुछ ऐसा बिछा के करें ना, इट्स क्वाइट इजी एंड देखने को भी काफी अच्छा लगता है। पर हाँ सरस्वती पूजा में अभी अभी का मुझे पता नहीं, पर पहले ना मोस्ट ऑफ द घर में ना ऐसा पंडित जी आते थे, हम लोग पुरोहित बोलते हैं, पंडित जी आते थे पूजा करने को, एंड ऐसा नहीं होता था वो पंडित जी एक घर पे पूजा करेंगे, वो पंडित जी बहुत सारे घर पे पूजा करते थे। तो एक बार ना मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई बिकॉज बहुत लेट से आए, उसके बाद ना देन माई मम्मी वॉज लाइक नहीं नेक्स्ट ईयर से मैं अपना खुद का पूजा खुद ही करूंगी, एंड तब से ना मम्मी हर वक्त खुद ही पूजा करती थी, एंड यहाँ पे तो ये सब लाइक कोई चांस ही नहीं है। तो मैं भी जैसे बोलती हूँ ना, मैं अपनी तरीके से पूजा करती हूँ, जैसे कि लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो होता है ना सरस्वती पूजा में आपको देना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, मैं तभी भूल भी गई हूँ क्या क्या वो सब, तो अभी क्या करें, तो आई डू अकॉर्डिंग टू, क्योंकि बोलते हैं ना मुझे हर वक्त लगता है कि हम मन में श्रद्धा होना चाहिए, एंड हम लोग इतना दूर रहते हैं, इसी मुझे लगा कि इस ईयर चलो मैंने राय को साड़ी पहना दिया, नेक्स्ट ईयर अभी
दिस वॉज वेरी लकी कि उसका स्कूल नहीं था, यू नो ब्रेक चल रहा है, नहीं तो राय का स्कूल होता. एंड फिर स्कूल जब होगा यू कांट लाइक वो ऐसा साड़ी एंड ऑल पहनना तो होता ही नहीं है ना, दिस ऑल थिंग्स में तब वो बिजी एंड ऑल रहती है. ऐसा कब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि स्कूल से आती थी फिर यू नो थोड़ा मैं प्रसाद एंड ऑल दे देती थी, तो मुझे लगा चलो आज टाइम है, आज मैं उसको साड़ी पहना देती हूँ. इट सीम्स राय इज कम्फर्टेबल ऑल्सो ना माँ, या राय को अच्छा भी लग रहा है, राय इज लाइक मम्मी आई एम कंफर्टेबल. मैंने बोला चलो अच्छा है. तो अभी मैं चाय बनाऊंगी. एंड हाँ मैं ना चौबी को बोल रही थी क्या एक्चुअली की बोले बेटा पीसीआर ना, एक्चुअली अभी तो पीसीआर रिपोर्ट है ना मेरे पास, तो नाउ इफ आई वांट आई कैन लाइक अभी मैं इंडिया जा सकते हैं, नहीं जाते पड़ो कि या मैं अभी कहूँ मैं अभी इंडिया के लिए निकल जाओ. नहीं ऐसा ही मैं मजाक कर रही हूँ. बट अभी मैंने सुना है दैट इफ वी गो टू इंडिया फिर अगेन वी हैव टू डू 14 डेज क्वारंटाइन रहना पड़ेगा. बिकॉज मैं एक वीडियो देख रही थी एंड लाइक जिसने ट्रैवल किया था वो एशेस इज नॉट ए यूट्यूबर एंड ऑल, ऐसे सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे तब बहुत जन लिख रहे थे उसको दैट आई थिंक सो वो मुंबई पे उतरे थे. आई शी वेंट टू वीक्स बैक, तो शी वॉज लाइक या वी हैड टू डू 14 डेज क्वारंटाइन, बिकॉज 14 डेज अगर होम क्वारंटाइन करें ना कितना सारा समय टाइम उसी में चला जाता है. पता नहीं क्या होगा, मैं और कुछ भी नहीं सोच रही हूँ. तो मैं चौमिक को चिढ़ा रही थी, मैं बोल रही थी अरे मैं रिपोर्ट लेके मैं इमिडिएटली सूटकेस तो मेरा पैक है ही, मैं निकल जाती हूँ. पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वही घर पे ही हूँ, वही किचन एंड वही चाय बनाना है. बट हाँ अभी वो लोग रिपोर्ट बहुत जल्दी दे देते. रिमेम्बर इन राइस टाइम आई वॉज वेटिंग सो मेनी डेज एंड वो टेंशन बढ़ रहा था क्योंकि राय कब भी तो ऐसा ही था ना, उसका बुखार ही कमती नहीं हो रहा था. पर अभी जैसा रिपोर्ट वो लोग बहुत जल्दी दे देते हैं, लाइक अभी थोड़ा ईज हो गया है. तो अभी चाय बन रहा है एंड उसके बाद मैं बोल रही हूँ चलो ना शॉपिंग का थोड़ा ऐसा घूम के आते मतलब वो हम लोग को रिटर्न करना है. तो मैं ऐसा ही ऊपर में जैकेट पहन के चली जाऊंगी. एंड हाँ आप लोग एक्चुअली बहुत जन, मेरी मम्मी ने भी वही बोला था कि पायल तुमने इतना यू नो स्नो एंड ऑल सब कुछ किया था एंड आई वॉज आउटसाइड ऑल्सो, हो सकता है इसीलिए मुझे ठंडी लग गया है. एंड या रिमेम्बर आई टोल्ड यू अबाउट दिस घी, सेलिना घी, तो आई थिंक सो वन ऑफ यू ओनली रोट हर ए मेल कि मैंने अपने चैनल में दिखाया था, तो देन शी केम टू माई चैनल एंड फ्राइडे लाइक दोपहर से तो मुझे ये सब के बारे में आई डिडंट लुक कमेंट पे भी क्या है, मैंने कुछ देखा ही नहीं. मोस्ट ऑफ यू हैव सीन ऑल्सो मैंने कोई भी कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दिया, क्यों मैं क्या और रिप्लाई दू. अगर आप देखेंगे भी वैलेंटाइंस डे जनरली जब भी कुछ ऐसा स्पेशल मौका होता है ना मैं कम्युनिटी पे आई सेंड यू विशेज एंड ऑल, मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैं क्या और करूँ. तो एनी हाउ तो सी उसने मुझे अच्छी तरीके से कमेंट लिखा कि मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये घी पसंद आया. एंड देन शी रोट हाँ आपने बोला पैकेजिंग अच्छा नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि सही ये टूट गया है ना, तो बट द घी इज सो टेस्टी. पर घी का ना एरोमा मेन होता है ना, अगर से टूट जाए तो फिर एरोमा निकल जाए तो फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा. You know that she came and she like she wrote in her channel because बहुत जन ना बोलते हैं ना see we all have हम लोग का plus negative pros and cons सभी में होते, सभी में सिर्फ अच्छा ही नहीं रहेगा, तो it's good ना like she pointed out that thing कि हाँ मैंने ये भी बोला था कि packaging is not that good, तो she is like नहीं मैं देखूंगी next time से अच्छा packaging हो, क्योंकि see अभी कितना loose हो गया है. But the ghee is really nice. But then I feel ना वो लोग को ऐसा थोड़ा you know अगर वो लोग जार के या like glass के जार में वो लोग करे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा. But anyhow the ghee is really nice. बहुत अच्छा है. एंड मुझे लगता है आज मैंने एक बार भी टाइम नहीं दिखाया. एंड मेरे पास मैं दिखा रही थी ना ये तो पौला है, पर मेरा जो शाखा है ना वो शादी के टाइम पे भी ना थोड़ा छोटा है. एंड शाखा ऑल्सो इज ना ऐसा ओवेल पे होता है, लाइक मेरा वाला ओवेल है तो वो थोड़ा छोटा है.
तो इस बार नहीं, पता नहीं जब मैं इंडिया जाऊंगी तब मुझे एक शाखा खरीदना पड़ेगा। वही मैं शॉमी को बोल रही थी मुझे खरीद के देना। तो नाउ द टाइम इज 4 बजने वाला है, थोड़ा देर बाद अराउंड 5 o'clock जाके मुझे शाम का आरती देना है। एंड कल मुझे थोड़ा लिविंग रूम एंड ऑल साफ करना है। पर दिस वीक तो राय का फुल बंद है ना। एक्चुअली राय का मैं जैसे बोल रही थी ना, वेयर आर यू गोइंग, और रिटर्न करने ना है। हाँ ठीक है, घूम के। तो मैं जैसे बोल रही थी ना, इस वीक फुल राय का बंद है। तो फिर क्या बोल रही थी मैं, हाँ राय का बंद रहता है तो मैं कुछ ना कुछ उसको लेके करती रहती हूँ। राय का एक्चुअली वायलिन का टेस्ट है, इसलिए हम लोग जो प्लान कर रहे थे ना, हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि राय का भी थर्सडे को भी वायलिन का क्लास रहेगा, सैटरडे को भी रहेगा। वो एग्जाम से पहले होता है ना, थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस। तो यू विल टेक दिस ना। एंड शॉमिक इज लाइक, तुम हर बार डॉक्टर को इतना कन्विंस कर लेती हो कि तुम्हें हो ही गया। तो ये हम लोग रिटर्न करने वो जा रहे हैं। सी द रिटर्न लेवल दुईटर ही आछे, एंड दिस इज द सरस्वती गॉडेस सरस्वती लेखा आछे। वेट, मैं एक सेकंड उनको सिखा देती हूँ वो सब रिटर्न करने हैं। एंड शॉमिक इज लाइक, वो एक स्टोरी था ना, फॉक्सर छिलो ना, वो एक कुछ एक बच्चा था ना जो हर वक्त गांव के लोग उल्फ उल्फ को बोलता था, उल्फ आ गया, भागो भागो भागो। एंड जब सच्ची में उल्फ आया तो किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। शॉमिक इज लाइक, तुम ऐसे हो, हर वक्त तुम डॉक्टर को ऐसा बोलोगी। डॉक्टर इज लाइक फुल्ली कॉन्विंस्ड कि हाँ इसको तो गारंटी हुआ ही है। मेरी जो डॉक्टर है ना, लाइक यहाँ के सभी के तो डॉक्टर्स रहते हैं ना, तो मैं उसको बोल रही थी लास्ट ईयर में, बोल रही थी ना फेब्रुअरी में भी मुझे सेम ऐसा हुआ था। तो शी वाज लाइक, या या मे बी यू गॉट इट ड्यू योर एंटीबॉडी टेस्ट, उस बार भी कुछ भी नहीं निकला था। तो चलो, यानी मास्क पहनो तो अच्छा ही रहता है। एंड मैं वो लोग को ना, जब वो लोग पूछते हैं ना, तब मैं बोल भी रही थी कि नहीं, मोस्ट ऑफ यू हैव सीन राइट, मैं और कहा कितना और निकलते हैं ग्रॉसरी एंड ऑल, तो सब देखे ही जाते। तो फिर भी मैं एक दो बार तो गई थी। तो शी वाज लाइक, नो बट 1-2 times यू वेंट ना, हो भी सकता है तुमने, मे बी। तो जो भी हो, चलिए आज आप सब लोग अच्छी तरीके से जा पाएंगे, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। जाते हुए आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। सी कितना खूबसूरत लग रहा है ना, पानी भी गिर रहा है। सी इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो चलो, विद दिस लवली लवली वेदर मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। एंड हाँ, राय का नया लुक आप सबको कैसा लगा? मैं और शामिक देख रहे थे ना, हम लोग, हाँ राय बच्ची लग रही है। यू नो, हम लोग मम्मी पापा लोग हर वक्त चाहते हैं कि बच्चे हर वक्त बच्चे लगे, स्पेशली देखने में। तो चलिए, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब। सो चलो, बाय बाय। एंड हाँ, जो लोग सरस्वती पूजा जो लोग ने किया है, आप सब ने क्या किया है मुझे ज़रूर बताना। एंड अगेन मैं बोलना चाहती हूँ, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।